हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुलदीप डेगा, बैक टू अगेन इन स्मार्ट गुवाहाटी। तो मैंने सोचा कि आज हम लोग असम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो ये असम हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होंगे ये हम लोग शुरू करेंगे वर्मन डायनेस्टी से लेके अहोम डायनेस्टी तक, जो आपको दिख रहा होगा। हम लोग आज बर्मन से लेके अहोम डायनेस्टी तक शुरू करने वाले हैं। पूरा का पूरा टॉपिक करना इट्स नॉट सो ईजी, मतलब यूट्यूब में ये पढ़ाना इट्स नॉट सो ईजी, मतलब बहुत ही वास्ट एक सिलेबस है। तो मैंने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स को लेके, ताकि मैं साइड बाय साइड आपको उस डायनेस्टी के बारे में कुछ बता भी पाऊँ, और हम लोग इस हिसाब से वर्मन डायनेस्टी से लेके अहोम डायनेस्टी तक खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बिफोर इंट्रोड्यूसिंग यू द टॉपिक, लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। आई एम कुलदीप डेगा, आई एम अ फैकल्टी इन स्मार्ट गुवाहाटी। माई फोन नंबर इज 9100114569 61। तो लेट अस बिगिन द टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि पूछा जा रहा है कि व्हेन डिड पुष्य बर्मन एस्टाब्लिश द बर्मन डायनेस्टी। तो आपको शायद पता होगा कि बर्मन डायनेस्टी जो है ये वन ऑफ द अर्ली रूलर्स है ये लोग हमारे असम के। तो ये बर्मन डायनेस्टी जो फॉर्म हुआ था ये पुष्य बर्मन के द्वारा फॉर्म हुआ था, और इसका जो लास्ट रूलर था ये था भास्कर बर्मन, ठीक है। तो पुष्य बर्मन ने हमारे असम पे बर्मन डायनेस्टी को कौन सा ईयर पे फॉर्म किया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 350 AD। तो 350 AD जो है आपके पास ये पुष्य बर्मन उस टाइम पे हमारे असम पे बर्मन रूलर्स को फॉर्म किया हुआ था, या फिर बर्मन डायनेस्टी हमारे असम पे आया हुआ था। याद रखिएगा ये पुष्य बर्मन जो है ये समुद्रगुप्त का कॉन्टेम्पररी है। कॉन्टेम्पररी मतलब उस साइड में, उस टाइम पे हमारे इंडिया पे कौन शासक कर रहा था, इंडिया पे उस साइड बाय साइड पे समुद्रगुप्त रूल कर रहा था, और हमारे असम पे उस टाइम पे रूल कर रहा था पुष्य बर्मन, ठीक है। तो उस टाइम पे इंडिया का रूलर था समुद्रगुप्त और हमारे असम का रूलर था ये पुष्य बर्मन। तो इसके बाद आपको थोड़ा बहुत आपको चीज़ बता दूँ, पुष्य बर्मन जो है समुद्रगुप्त का जो लड़का था बाला बर्मन को भी इन्होंने हराया था, ठीक है। अश्वमेधा क्या होता है, वो लोग जब कोई बड़ा बड़ा राजा होता है उस टाइम पे, वो लोग अपना घोड़ा छोड़ देते हैं, और उस घोड़े को जो भी पकड़ लेता है या फिर घोड़ा जहाँ तक जाता है वो पूरा का पूरा एरिया उस राजा का हो जाता है। अगर कोई दूसरा राजा उस घोड़ा को रोक टोक करता है या फिर उसको आगे बढ़ने नहीं देता, तो जिस राजा ने उस घोड़ा को छोड़ा हुआ था उस राजा के साथ उसका युद्ध लड़ना पड़ता है। युद्ध में जो जीतेगा वो जमीन उसका हो जाता है फिर। तो इसी तरह से एक्चुअली बाला बर्मन जो है, ये बाला बर्मन समुद्रगुप्त का लड़का है। तो समुद्रगुप्त का लड़का बाला बर्मन और हमारे पुष्य बर्मन के बीच में लड़ाई भी हुआ था, जिसका विनर रहा या फिर जिसका आपके पास जीता हुआ था आपका पुष्य बर्मन ने, और इस तरह से उन्होंने अपना एरिया को इलोंगेट करा था। ये अश्वमेध सेक्रीफाइस किया जाता है इसमें, ठीक है, जिसमें घोड़ा टेक पार्ट करते हैं और घोड़ा एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन कवर करते हैं और कोई दूसरा राजा उसको रुकता नहीं है एक्चुअली। तो लेट्स स्टार्ट। उसके पीछे आपको नेक्स्ट आपको मैंने लिख दिया था कि हमारा जो ये पुष्य बर्मन या फिर ये बर्मन डायनेस्टी है उसका आपके पास समुद्रगुप्त आपके पास कंटेम्पररी है, और साइड बाय साइड आपको ये जानना चाहिए कि समुद्रगुप्त के टाइम पे उनका इंस्क्रिप्शन कौन सा, अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो है समुद्रगुप्त के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। आपको थोड़ा सा मैं बता सकूँ तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये जो अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है, अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में किन राजाओं के बारे में लिखा गया है, अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में किन राजाओं के बारे में लिखा गया है। तो ये एक तो आपको पता चल गया है समुद्रगुप्त जो है इनके बारे में लिखा गया है, ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। फिर दूसरा आपके पास जो है अशोका के बारे में लिखा गया है, अशोका के बारे में लिखा गया, और तीसरा आपके पास जो है जहांगीर के बारे में लिखा गया। तो ये तीनों को याद रखिएगा, एक समुद्रगुप्त, एक आपके पास अशोका, और तीसरा आपके पास जहांगीर, ये तीनों के बारे में है अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में आता रहता है ये सब चीज़ें भी। तो लेट अस गो विद द सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये है, व्हेन डिड कुमार भास्कर बर्मन बिकेम द किंग ऑफ कामरूपा। अच्छा, इनके साइड में ये भास्कर बर्मन के साइड बाय साइड आपको कुमार क्यों लगाया जाता है, बिकॉज ही वॉज बैचलर, उनका शादी नहीं हुआ था, ना ही उनका कोई बेटा था या फिर कोई बेटी थी, ठीक है। तो इसके वजह से एक्चुअली भास्कर बर्मन वॉज द लास्ट रूलर, क्योंकि जब इसका कोई वारिश नहीं रहा तो फिर उसका डायनेस्टी आगे नहीं बढ़ पाया। तो इस तरह से एक्चुअली भास्कर बर्मन लास्ट रूलर रहता है। तो वही पूछा जा रहा है कि भास्कर बर्मन ने अपना एम्पायर को कब फॉर्म किया था। तो आंसर इज 600 AD, ठीक है। आंसर इज 600 AD पे भास्कर बर्मन ने अपना एम्पायर को फॉर्म किया था। वही मैंने बोला था, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द बर्मन डायनेस्टी, ठीक है। आपको भास्कर बर्मन के रेस्पेक्ट में आपके पास इंस्क्रिप्शन कौन सा मिलेंगे, निधानपुर कॉपर इंस्क्रिप्शन, ये भास्कर बर्मन के रेस्पेक्ट में है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता रहता है, निधानपुर कॉपर इंस्क्रिप्शन जो है ये कौन सा रूलर के बारे में बताता है। तो दिस इज अबाउट भास्कर बर्मन, ठीक है।
तो एक्चुअली वही था कि जैसे उनका कोई बारिश नहीं था, तो उनके डेथ के बाद इस डायनेस्टी को ले लिया गया है कोई दूसरा एक राजा जिसका नाम है शलस्तंभ। तो शलस्तंभ आने के बाद उनका जो डायनेस्टी था, उनका डायनेस्टी का नाम है मेलसा डायनेस्टी। ठीक है, तो मेलसा डायनेस्टी से फॉर्म होता है एक नया डायनेस्टी, और इस तरह से हमारा जो शुरुआत हुआ था पुष्य वर्मन से और एंड होता है भास्कर वर्मन से 600 AD पे। 600 AD से लेकर 650 AD तक हमारा जो है ये भास्कर वर्मन का पीरियड होता है। तो ठीक है, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा, मैंने इसमें थोड़ा सा कोशिश करा कि लिख पाऊँ। ठीक है, तो 600 से लेकर 650 AD तक होता है भास्कर वर्मन का टेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि व्हेन डिड शलस्तंभ एस्टाब्लिश द मेलसा डायनेस्टी। तो अभी 2 सेकंड पहले मैंने बोला कि शलस्तंभ जो है उन्होंने किसको हटाने के बाद अपना डायनेस्टी को फॉर्म कर पाए वैसे, तो वही होंगे जब भास्कर वर्मन का डायनेस्टी ख़त्म हो पाया, वर्मन डायनेस्टी। तो मैंने क्या लिख दिया था, 650 लिख दिया था, तो वही शायद आंसर होना चाहिए 650, ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए आंसर। तो वही 650 विद द आंसर। तो आफ्टर द फॉल ऑफ वर्मन डायनेस्टी, मेलसा डायनेस्टी जो है उन लोगों ने अपना डायनेस्टी को फॉर्म करा था। इन लोग का कैपिटल था हरूपेश्वर। ठीक है, हरूपेश्वर जो है ये प्रेजेंट डे पे तेजपुर को बोलते हैं। तो मेलसा डायनेस्टी का आपका कैपिटल के बारे में पूछे तो हरूपेश्वर है, जो कि प्रेजेंट डे पे तेजपुर को बोला जाता है। तो ये 900 AD तक इन लोगों ने रूल किया था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपके पास देख सकते हो ये 350 ईयर्स के आसपास इन लोगों ने रूल किया है, सॉरी 250 ईयर्स के आसपास इन लोगों ने रूल किया है। और इन लोग के डायनेस्टी पे टोटल 21 किंग्स था, लेकिन सिंस ये बहुत ही एंशियंट हिस्ट्री है तो इसके लिए कोई प्रॉपर डाटा नहीं है। तो बस बड़े बड़े किताबों में आपको मिलेंगे कि ये 21 किंग्स इस डायनेस्टी के अंदर था, जिसका कोई बेसिक नाम आपके किसी भी किताब आपको नहीं बता पाएंगे। तो इसको याद रखिएगा, हरूपेश्वर उन लोग का कैपिटल का नाम था। नेक्स्ट इज व्हेन डिड ब्रह्मा पाला एस्टाब्लिश द पाला डायनेस्टी इन कामरूपा। ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे हाई कोर्ट में आते हुए भी, इस साल में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ब्रह्मा पाला ने अपना पाला डायनेस्टी को कौन सा ईयर पे एस्टाब्लिश किया था कामरूपा में। तो लेट्स गो फॉर द आंसर। तो वही मेलसा डायनेस्टी खत्म होने के बाद 900 AD में फिर नेक्स्ट डायनेस्टी जो आती है ये पाला डायनेस्टी आएंगे। याद रखिएगा ये पाला डायनेस्टी जो है हमारे जो वेस्ट बंगाल का जो पाला है, डेट इज़ नॉट द आंसर। वेस्ट बंगाल का पाला डायनेस्टी अलग होता है और हमारा असम का जो पाला डायनेस्टी था वो अलग है। वेस्ट बंगाल का पाला डायनेस्टी लोग का अलग क्यों है कि वेस्ट बंगाल का पाला डायनेस्टी लोग का जो रिलीजन था डेट वॉज बुद्धिज़्म, और हमारा जो पाला डायनेस्टी था उसका रिलीजन था हिंदुज़्म। ठीक है, तो हमारा वाला हिंदुज़्म रिलीजन का था और वेस्ट बंगाल वाला था बुद्धिज्म रिलीजन का। और हमारे वाले पाला डायनेस्टी का जो फाउंडर है दैट वॉज ब्रह्मा पाला, वही क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं कि ब्रह्मा पाला ने कब पाला डायनेस्टी को फॉर्म किया था। आंसर इज 900 AD। ठीक है, तो उन लोग के टाइम पे कैपिटल था तेजपुर। ठीक है, फाइनल जब उनका कैपिटल बना तो वो नॉर्थ गुवाहाटी पे बना। ठीक है, और लास्ट उन लोग का जो रूलर है उसका नाम है जयपाला। तो फाउंडर के बारे में पूछे तो डैट इज ब्रह्मा पाला, और लास्ट रूलर के बारे में पूछे तो डैट इज जयपाला। उनका कैपिटल जो है ये नॉर्थ गुवाहाटी है और उन तेजपुर उनका सॉरी कैपिटल जो लास्ट कैपिटल जो है नॉर्थ गुवाहाटी पे है जयपाला के टाइम पे, और उन लोग का शुरुआत का जो कैपिटल जो ब्रह्मापाला ने फॉर्म किया था दैट वाज इन तेजपुर। तो इसको भी जान लीजिएगा। तो लेट अस गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 ये है कि व्हेन वाज द फाउंडर सॉरी हु वाज द फाउंडर ऑफ द चुटिया किंगडम ऑफ स्वर्णगिरी। चुटिया किंगडम लोगों का आपके पास बहुत सारा कैपिटल था, तो उन लोग का जो इनिशियल कैपिटल है दैट वाज स्वर्णगिरी। तो फाउंडर के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो आंसर इस बीरपाल। ठीक है, तो वही मैंने बोला कि आपका चुटिया किंगडम लोगों का कैपिटल बहुत सारा है, स्वर्णगिरी, रत्नापुर और होडिया, लास्ट कैपिटल इस सदिया। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, जब नित्यापाल था उस टाइम पे कैपिटल था सदिया, बट ही वॉज नॉट अ कैपेबल या फिर वेल एफिशिएंट रूलर नहीं था, जो बस 2 साल तक ही रूल कर पाए। तो इनका एफिशिएंसी नहीं होने की वजह से दिस चुटिया किंगडम डिथ्रोन्ड एट द लास्ट। फिर लास्टली आपको मेन चीज़ क्या है कि वो लोग कहाँ पे ज़्यादातर रूल करते थे, उन लोग का मेजर आपके पास जो रूलिंग एरिया था दैट वॉज इन अपर असम, और उन लोग का प्रोविंस अरुणाचल प्रदेश की जो परशुराम कुंड है वहाँ तक जाता था। ठीक है, तो इन लोग का ये एरिया ये लोग रूल करता था, और इन लोग का कैपिटल का जो मैंने बोला कैपिटल का इनिशियल बोले तो ये स्वर्णगिरी, एंड लास्ट कैपिटल आपके पास बोले चुटिया किंगडम का तो सदिया। ठीक है, और फाउंडर था आपके पास ये बीरपाल, और लास्ट रूलर के बारे में बोले तो नित्यपाल। तो इन हर चीज़ को याद रखिएगा और नोटबुक में लिखते रहिएगा। नेक्स्ट इज व्हेन डिड मुस्लिम अटैक असम फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको मैं एक हिंट बता देता हूँ, मुस्लिम ने हमारे असम पे उस टाइम पे ही अटैक किया था जिस टाइम पे हमारे इंडिया में दिल्ली सल्तनत फॉर्म हुआ था। तो व्हाट शुड बी द आंसर,
दिल्ली सल्तनत का पीरियड जो है ये है 1206। तो दिस इज़ द आंसर, 1206 इज़ द आंसर। वही मैंने बोला कि हमारे इंडिया में दिल्ली सल्तनत का पीरियड 1206 से लेके जब तक हमारे भारत में मुगल्स लोग नहीं आते तब तक दिल्ली सल्तनत वाला पीरियड है ये। अच्छा, ये क्यों बोलता हूँ मैं, इसलिए दिल्ली सल्तनत में आपके पास मेजरली पांच अलग अलग डायनेस्टी थे। जैसे आपको शायद पता होगा तुगलक डायनेस्टी था, स्लेव डायनेस्टी था, है ना, तो इस तरह से आपके पास अलग अलग पांच डायनेस्टियाँ था। तो वो लोग 1206 से लेके ये शुरुआत वाला जो ये 1206 से कौन आता है, शुरुआत वाले में आपके पास आता है ये स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी आता है। फिर लास्ट के टाइम पे आपके पास जो दिखेंगे डेट ऑस लोडी डायनेस्टी, जिसको इब्राहिम लोदी को मारने के बाद बाबर ने अपना मुगल एम्पायर फॉर्म किया था 1526 में। तो क्या हुआ था एक्चुअली, हमारे असम पे पहला मुगल, सॉरी असम पे पहला मुस्लिम अटैकर कौन है ये पूछा जा रहा है। तो असम का पहला मुस्लिम अटैकर जो है मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी है, ठीक है, और ये जो है एक्चुअली ये 1206 सन पे हमारे असम पे आक्रमण करा था इन्होंने, एंड ही इज़ कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट मुस्लिम टू अटैक इन कामरूपा या फिर असम, ठीक है। याद रखिएगा 1206 से लेके 1526 तक स्लेव डायनेस्टी था, तुगलक डायनेस्टी था, लोडी डायनेस्टी था, इस तरह से बहुत सारे डायनेस्टी था, और 1526 से लेके आपके पास 1857 तक आपको ये टेनर मिलेंगे मुगल्स के रेस्पेक्ट में, फिर मुगल्स के रेस्पेक्ट में। फिर उसके बाद आपको ये मॉडर्न हिस्ट्री में आपको दिखेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एम्पायर को फॉर्म करा, ठीक है। तो ये आपके पास होता है क्वेश्चन फॉर द आंसर, मुस्लिम कब असम पे अटैक करने आए थे, 1206। नेक्स्ट इज व्हेन डिड सुकाफा एस्टैब्लिश द अहोम किंगडम इन असम। सुकाफा ने अहोम किंगडम एस्टैब्लिश कब किया था असम पे। तो मेनी ऑफ यू माइट नो द आंसर, बट स्टिल मुझे लगा कि हम लोग सीक्वेंस वाइज में 1200 सदी का हर चीज़ कर रहे हैं तो सीक्वेंस में भी इसको भी कर लेना चाहिए। तो द कॉमन आंसर इज 1228 में, ठीक है। सुकाफा ने हमारे असम पे एस्टैब्लिश करा था अपना कैपिटल 1228 में, तो दिस इज द आंसर। और अगर आपसे पूछे बट इनिशियल कैपिटल उन्होंने क्या रखा था, सरायदेव रखा था, सरायदेव बिकेम द कैपिटल ऑन 1253, ठीक है। सरायदेव बिकेम द कैपिटल ऑफ द अहोम्स इन 1253। सुकाफा ने कब अपना घर छोड़ा था, तब आंसर इज 1215। तो ये 13 साल वो यहाँ से वहाँ भटकते रहे अच्छे जगह की खोज में, फिर जाके 1228 में ही केम इन साइड आसाम बाय क्रॉसिंग दिस पटका हिल, ठीक है, बाय क्रॉसिंग दिस पटका हिल, एंड सुकाफा इज कॉन्सिडर टू बी द फर्स्ट रूलर ऑफ द अहोम डायनेस्टी, ठीक है। और ये अहोम डायनेस्टी आप देख सकते हो ये 1228 से लेके कब तक रहा, 1824 तक रहा, सॉरी 1826 तक रहा, ट्रीटी ऑफ यानदाबू तक। तो ये जो है टोटल 598 ईयर्स होता है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 600 साल तक रूल किया जाता है, बोला जाता है कि 600 साल तक ये रूल चलता है हमारे अहोम डायनेस्टी का, ठीक है। तो ये 1228 में फर्स्ट एस्टैब्लिशमेंट, 1215 में उन्होंने घर छोड़ा था, ये डायनेस्टी पूरा का पूरा चलता है 1826 तक जब यानदाबू ट्रीटी होता है, आपको मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, जब यानदाबू ट्रीटी होता है। तो टोटल आपके पास 590 ईयर्स तक रहता है ये अहोम डायनेस्टी इन असम, ठीक है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर भी। नेक्स्ट इज व्हेन डिड कोच डायनेस्टी फॉर्म इन असम। तो कोच डायनेस्टी हमारे असम पे कब फॉर्म हुआ है उसके बारे में क्वेश्चन आपको डाला गया है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि, अच्छा पहले बता ही देते हैं कि कोच डायनेस्टी जो है हमारे पास इसका फॉर्म क्या हुआ, जो राजा है कोच डायनेस्टी वॉज फॉर्म बाय द रूलर बिश्व सिंघा, ठीक है। कोच डायनेस्टी का इम्पोर्टेंट राजा का नाम जो है दिस इज नरनारायण, वो भी मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। कोच डायनेस्टी वॉज फॉर्म बाय बिश्व सिन्हा, उन्होंने रूल किया था 1515 से लेके 1540 तक, और कब फॉर्म किया था वही पूछ रहा था, तो डेफिनेटली आंसर शुड भी 1515 पे होना चाहिए। और नरनारायण जो है ये कोच डायनेस्टी का सेकेंड रूलर होता है 1540 से लेके 1587। द कोच डायनेस्टी को सबसे ज़्यादा अचीवमेंट मिला इनके टेन्योर पे ही, इसका भाई का नाम जो है दैट वॉज सिलाराय, एंड सिलाराय यूज टू हेल्प नरनारायण इन हिज टास्क। तो डेफिनेटली बोथ ऑफ देम हैव एग्रीगेटेड मोस्ट पावर ड्यूरिंग द कोच डायनेस्टी, हु वेर ऑल्सो एबल टू डिफीट द अहोम्स लेटर ऑन। आइए चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन व्हिच ईयर अहोम किंग एस्टैब्लिश द कैपिटल ऑफ गौरगांव। तो टोटल आपको अहोम किंगडम के टाइम पे बहुत सारे कैपिटल फॉर्मेशन होते हुए दिखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि सरायदेव फॉर्म होते हैं, उसके बाद आपको ये
चोरहात दिखेंगे, उसके बाद आपको गौरगांव दिखेंगे, उसके बाद आपको लास्ट तक अलग अलग और कैपिटल लिखते रहेंगे, है ना। तो ये सोराइडे वॉज द फर्स्ट वन, गौरगांव आपको दिखेंगे, गौरगांव आपके पास ये तीसरा कैपिटल होता है, उसके बाद एक्चुअली जोरहाट आता है। तो लेट्स सी कि आहोम के लोगों ने, आहोम राजाओं ने अपने गौरगांव का कैपिटल कब फॉर्म किया था। तो आंसर इज 1539 पे। तो 1539 वही तो मैंने बोला था आपको, जो ये कैपिटल जो ये थर्ड कैपिटल है आहोम लोग का, ठीक है, इस कैपिटल को फॉर्म करने वाला राजा जो है डेट इज सुकलेंगमुंग, इनको गौरगोया राजा भी बोला जाता है। गौरगोया राजा इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने गौरगांव को फॉर्म किया था, इसलिए उनको गौरगोया राजा भी बोला जाता है, ठीक है। याद रखिएगा ये गौरगांव जो है लेटर ऑन आपके पास एक मुसलमान इन्वेडर ने आक्रमण भी करा था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता रहता है। गौरगांव वॉज इन्वेडेड बाई हुच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर, तो डेट इज मीर जुमला ने आक्रमण किया था, उन्होंने जब आक्रमण किया था उस टाइम पे पर्टिकुलर ईयर है 1662, ठीक है। तो 1662 जो है ईयर है जब मीर जुमला ने वही गौरगांव पे आक्रमण करा था जिसको गौरगोया राजा ने बनाया था एट द ईयर 1539। और आपके पास ये जो 1662 जो है ये आक्रमण का ईयर है जब आपसे ये पर्टिकुलर पूछा जाए। तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड सिलाराय ऑक्युपाइड द आहोम कैपिटल गौरगांव। तो सिलाराय जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही पावरफुल एक रूलर है आहोम की, कोच की तरफ से, मैंने बोला ही था कि नरनारायण का वो भाई भी है। तो उन्होंने आहोम कैपिटल गौरगांव को कब ऑक्युपाई किया था। द एंसर इज 1563, ठीक है। 1563 पे आहोम लोगों का कैपिटल गौरगांव को ऑक्युपाई किया था आपका सिलाराय ने, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद क्या हुआ था, आहोम और कोच के बीच में एक ट्रीटी साइन हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ माजुली। कभी पूछे कि ट्रीटी ऑफ माजुली कब साइन हुआ था, तो दैट इज 1563 पे हुआ था, गौरगांव का कैपिटल को एनेक्स करने के बाद आहोम लोगों के द्वारा, सॉरी मुगल्स सॉरी कोच लोगों के द्वारा। तो ट्रीटी ऑफ माजुली वॉज साइंड बिटवीन द आहोम्स एंड द कोच, ठीक है। तो आपको ये भी साइड में जानना चाहिए कि सिलाराय जो है ही इज़ द ब्रदर ऑफ द ग्रेट रूलर नरनारायण। उसके बाद व्हेन डिड कोच बिहार बिकेम द वैसल ऑफ मुगल्स। वैसल मतलब क्या होता है, मुगल्स लोगों ने कोच बिहार को कब ले लिया था। वैसल मतलब मुगल्स लोगों के इशारे पे काम करना, ठीक है, या फिर वैसल मतलब एक दूसरे राजा की इशारे पे काम करना, वो होता है एक्चुअली एक वैसल। तो ये जो कोच बिहार है, कोच बिहार मुगल्स लोगों का कब से वैसल बनने लगा था, वैसे मतलब मुगल्स लोगों का हुक्म कब से कोच बिहार पे चलने लगा था, आपको ये पर्टिकुलरली पूछा जा रहा है। तो आंसर जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ये 1609 पे, ठीक है। तो क्या हुआ था एक्चुअली, जो कोच बिहार है और कोच हाजो है, ये दो अलग अलग प्रोविंस है। कोच हाजो आपके पास 1613 पे एनेक्स हुआ था, और कोच बिहार के बारे में पूछे तो ये 1609 पे हुआ था, 4 साल पहले, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखिएगा। फिर उसके बाद 1617 में क्या हुआ था, आहोम्स लोग और मुगल्स लोग के बीच में ये पहली लड़ाई भी हुआ था, याद रखिएगा। ये पहला भारत का एक ऑर्गेनाइज्ड वार है बिटवीन द मुगल्स एंड द आहोम्स, ठीक है, ये बैटल ऑफ फौराली मुख इसको बोला जाता है क्योंकि फौराली रिवर के ये पास में ये बैटल लड़ा गया था। याद रखिएगा फर्स्ट वार बिटवीन द आहोम्स एंड मुगल्स इज नॉट बैटल ऑफ सरायघाट, फर्स्ट वार बिटवीन द आहोम्स एंड मुगल्स इज एक्चुअली बैटल ऑफ सरायघाट। ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड वार है बिटवीन द मुगल्स एंड द आहोम्स, ये लड़ा गया था 1617 में। क्यों, क्योंकि 1609 में और 1613 में कोच बिहार एंड कोच हाजो एनेक्स हो गया था और ये मुगल्स के अंदर आ गया था आफ्टर डिफीटिंग द रूलर ऑफ आहोम डेट इज़ परीक्षित। परीक्षित को हराने के बाद कोच हाजो में, परीक्षित पुखड़ी बोली जाता, पुखड़ी हुआ सा एक्चुअली उत्तर गुवाहाटी सके बहुत ही हुनी से होनी की। तो कोच बिहार एंड कोच हाजो एनेक्स हो जाने के बाद एक लड़ाई हुआ था बैटल ऑफ फराली मुख, ये हमारे आहोम एंड मुगल्स के बीच में ये पहली ऑर्गेनाइज बैटल बोला जाता है। नेक्स्ट आपके पास है व्हेन डिड ट्रीटी ऑफ असुरर अली साइन बिटवीन द आहोम्स एंड द मुगल्स। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है आपके पास, ट्रीटी ऑफ असुरर अली जो है कब साइन किया गया था आपके पास आहोम्स एंड मुगल्स के बीच में। तो मुगल्स के साइड से अल्लाह यार खान था, आपको शायद थोड़ा बहुत पता होगा, अल्लाह यार खान वॉज द साइनर जो मुगल्स के साइड से साइन किया था। और हमारे आहोम्स के साइड से साइन करने वाला जो बंदा था डेट वॉज मुमाई तामुली बोरबुरुआ, ठीक है, मुमाई तामुली बोरबुरुआ डेट इज द फादर ऑफ द ग्रेट लासित बोरफुकन। तो लासित बोरफुकन का फादर और अल्लाह यार खान के बीच में ये हमारा ट्रीटी ऑफ असुरर अली वॉज साइंड, ठीक है। ये जो आपके मुमाई तामुली जो है ये पोस्ट आपके पास किन्होंने क्रिएट किया था, तो डेट इज प्रताप सिंह,
मोमाई टामुली बरबुआ को जो मिला हुआ पोस्ट है, ये बरबुआ वाला पोस्ट किसने क्रिएट किया था, तो डैट इज प्रताप सिंह। ठीक है, तो प्रताप सिंह ने अपने टाइम पे बहुत सारे पोस्ट क्रिएट किए थे। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोस्ट वॉज दिस बरबुआ, दिस बरबुआ वॉज गिवेन बाई प्रताप सिंह। ठीक है, एंड मोमाई टामुली बरबुआ इज द फर्स्ट बरबुआ ऑफ द आहोम डायनेस्टी। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 इज सेड समथिंग लाइक दिस वन, कि व्हेन डिड आहोम्स टुक द पोजिशन ऑफ द कोच हाजो। तो जैसे कि मैंने बोला कि कोच हाजो और कोच बिहार दोनों ही चला गया था। कोच बिहार जो है 1609 पे चला गया था एंड कोच हाजो 1613 पे चला गया था। तो क्वेश्चन में वही है कि आहोम्स लोग ने दोबारा इसको वापस कब ले लिया। तो ये 1659 पे ये ले लिया गया था और उस टाइम का राजा था जयध्वज सिन्हा। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि जयध्वज सिन्हा ने आहोम्स को दोबारा अपना कोच हाजो दिलाया था, जो कि एनेक्स हो गया था आपके पास 1613 के टाइम पे। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ खिलाजरी घाट अकॉर्डेड। तो ट्रीटी ऑफ खिलाजरी घाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने शायद सब लोगों ने ऑलमोस्ट नाम सुने होंगे। इस ट्रीटी में मीर जुमला आए थे आपके पास, जिन्होंने हमारे असम पे बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा के हमारे रूलर्स को दमन रख के, एक्चुअली उन्होंने बहुत सारा चीज़ हासिल कर लिया था। तो वही ट्रीटी साइन हुआ था, ट्रीटी साइन होने के बाद वो चला गया था थाका, वहाँ पे बीच रास्ते पे उनका फिर मौत हो जाता है ना। तो वही पूछा जा रहा है कि ट्रीटी ऑफ खिलाजरी घाट कब साइन किया गया था। तो लेट अस गो फॉर द आंसर। आंसर इज 1663। ठीक है, 1663 पे ट्रीटी ऑफ खिलाजरी घाट साइन होता है। वही जो मैंने बोला कि मीर जुमला आफ्टर द अटैक ही वेंट टू ढाका एंड डाइड ऑन हिज वे। ठीक है, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग में क्या है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या है कि जयध्वज सिन्हा जो है उनको अपनी बेटी को सौंपना पड़ेगा मुगल एम्परर को। तो ठीक है, आपको कभी पूछे क्वेश्चन में कि अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ खिलाजरी घाट व्हिच प्रिंसेस वॉज सबमिटेड टू द मुगल एम्परर औरंगजेब। तो औरंगजेब को ये लड़की रोमोनी गाभोड़ो, सी इज़ नथिंग बट जयदेव सिन्हा की ये लड़की है, 6 साल की एक लड़की है सिर्फ। तो उनको सबमिट करना पड़ा था औरंगजेब को। फिर बाद में जो औरंगजेब का लड़का है मोहम्मद आजम शाह, उन्होंने रोमोनी गाभोड़ो के साथ शादी रचा लिया था। ठीक है, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग आपके पास एक लड़की सेंड करना था, मतलब रूलर को, तो उन्होंने रोमोनी गाभोड़ो को सेंड किया था। अदर देन दिस, और क्या आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग हमारे जो आहोम राजा है उनको 20,000 तोला गोल्ड देना था। ठीक है, 20,000 तोला गोल्ड आपको आहोम राजा को देना था। 6 टाइम्स ऑफ सिल्वर, मतलब जो 20,000 तोला है, इस 20,000 तोला का अगर मैं 6 टाइम्स करूँ कितना हो गया, 120,000। तो 120,000 तोलास ऑफ आपको सिल्वर देना है और 40 एलिफेंट देना है एट वंस। तो आप देख सकते हो कितना हैवी बर्डन हमारे असम के रूलर्स के ऊपर पड़ गया था। तो इसी के वजह से हमारा असम बहुत डाउनफॉल में भी चला गया था। फिर बाद में इसको जब लौटा नहीं पाए तो राजा ने अनाउंस किया कि दे विल फाइट अगेंस्ट द मुगल्स, एंड इस तरह से हमारे पास असम पे द फेमस बैटल सरायघाट आता है कुछ सालों के बाद। क्या होता है उसके बाद पूछा जा रहा है, हु वाज द आहोम किंग ड्यूरिंग द बैटल ऑफ सरायघाट। सरायघाट के बैटल के टाइम पे हमारे आहोम का किंग कौन रहता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है शक्रध्वज सिन्हा, प्रताप सिन्हा, रुद्र सिन्हा, उदयत्त सिन्हा। तो आंसर इज उदयत्त सिन्हा, है ना। तो उदयत्त सिन्हा जो है ये हमारे सरायघाट के बैटल के टाइम पे वो रूलर रहता है। इस सरायघाट के रूलर बैटल के टाइम पे मुगल्स लोग के साइड से राजा राम सिंह आते हैं लड़ाई करने के लिए, और हमारे असम के आहोम्स के साइड से आपको पता होगा लासित बरफुकन वॉज द कमांडेंट जो फ्रंट से लीड कर रहा था। तो ये दोनों को याद रखिएगा, राम सिंह वॉज फ्रॉम द मुगल साइड एंड लासित बरफुकन वॉज फ्रॉम द आहोम साइड। ये बैटल आपके पास लड़ा गया था 1671 पे, सबको शायद पता होगा इसके बारे में, बैटल ऑफ सरायघाट 1671 पे लड़ा गया था। दिस इज़ अ नेवल बैटल बिटवीन द आहोम्स एंड द मुगल्स, डेट वॉज फॉट बिटवीन दिस टू रूलर्स। ठीक है, यहाँ पे आहोम्स का वारफेयर टेक्निक की वजह से, फिर गरीला वारफेयर की वजह से, जहाँ पे आहोम्स का सोल्जर्स बहुत कम रहता है, बट स्टिल दे वेर एबल टू डिफीट द फास्ट मुगल रूलर्स बाय देयर टेक्निक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए पड़ता है हमारे एक असम हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। अदर देन दिस, बैटल ऑफ इताखोली होता है उसके कुछ सालों के बाद। बैटल ऑफ इताखोली हमारे आहोम्स और मुगल्स के बीच का ये एक लास्ट
रूलर पड़ता है, सॉरी लास्ट आपका बैटल पड़ता है। तो इस तरह से हमारे अहोम्स के और हमारे मुगल्स के बीच में टोटल 17 कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, 17 बार होते हैं, और इन 17 का 17 कॉन्फ्लिक्ट्स में हमारे अहोम्स एट लास्ट ओन द बैटल्स। ठीक है, तो बैटल ऑफ इटाखोली इज कॉन्सिडर टू बी द लास्ट बैटल बिटवीन द अहोम्स एंड द मुगल्स। याद रखिएगा, बैटल ऑफ इटाखोली के टाइम पे हमारे अहोम्स और मुगल्स के बीच में कौन था? अहोम्स के साइड से एक्चुअली आलोन बोरबोरुआ था, जिन्हों को ये मौका मिला था उस बैटल में लड़ने के लिए, और मुगल्स के साइड से मंसूर खान था जो इस बैटल पे लड़ने के लिए आए थे। बट स्टिल मुगल्स लॉस्ट इन दिस बैटल बिकॉज एट दिस टाइम द रूलर ऑफ इंडिया वॉज औरंगजेब। तो औरंगजेब जब इस टाइम पे रूलर था तो उनका मेन फोकस एक्चुअली मराठा लोग था, तो मराठा लोग एक्चुअली मेन फोकस था, और उनको ये इंडिया का ये जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है उनको शायद इतना दिलचस्पी नहीं था। तो एक्चुअली फिर दिलचस्पी नहीं होने के कारण आपका एट लास्ट दे डिड नॉट गिव इंटरेस्ट एट दिस बैटल एंड दे केम आउट फ्रॉम द बैटल। ठीक है, तो इस तरह से बैटल ऑफ इटाखोली जो है मराठा के ऊपर इंटरेस्ट रखा था उन लोगों ने कि उस उन लोग को हराया जाए और उन लोग का जगह को ऑक्यूपाई किया जाए, ना कि नॉर्थ ईस्ट को उतना दिलचस्पी नहीं रखा उन लोगों ने। तो एट दिस पॉइंट इस तरह से हमारे असम का ये असम के अहोम्स और मुगल्स के बीच का एक लास्ट कॉन्फ्लिक्ट था। इसके बाद आपको अहोम्स और मुगल्स के बीच में इन फ्यूचर कभी कॉन्फ्लिक्ट दिखते नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने ट्राई किया कि कम से कम आपके पास सरायघाट बैटल तक मैंने कवर करा है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके, और भी कुछ चीज़ें पढ़िएगा। ठीक है, विल कंटिन्यू सम अदर मोर टॉपिक्स बाय टुमोरो। ठीक है, होप सो आपको अच्छा लगा होगा, देन डेफिनेटली गिव अ लाइक एंड लव द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।